विश्व का नंबर वन जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन, 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो, Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास, विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8000456779427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। दरेक भाग्यशाली और मौन पूर्वक भक्ति अनुष्ठान के साथ में आज की दिव्य साधना को हम जानेंगे, सीखेंगे, अनुभव करेंगे। नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदियाणम, नमो जायाणम, नमो लोये सबसाहुणम, एसो पंचन मुकारो सब भाव प्रणाशनो मंगलाणम च सब्वे सिंपणमंगमयी मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। एक एक कूटगलु परे से त्रुंजा समोजे, रिखाव कहे भव क्रोड़ना, कर्म खपावे ते कर्म खपावे थे। जीवन की गोल्डन 4 टिप्स, व्यक्तित्व विकास और जीवन परिवर्तन के लिए जीवन का दर्शन जितना उबदा होगा, जितना आपका संकल्प उबदा होगा। आज आप सभी लोग जुड़े हुए हैं अद्भुत भक्ति आराधना साधना के साथ। हम विशिष्ट रूप से मंत्र ध्यान साधना को सीख रहे हैं और 6 लेसियाओं का जो अद्भुत रहस्य है, जीवन के अंदर जो हम सोचते हो क्यों नहीं होता है, तो 6 लेसिया को हम आज पूरी तरह से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अनुभव करेंगे। सबसे पहले इतने सारे लोग जो आज जुड़ चुके हैं, उनके भीतर के अंदर विराजमान पवित्र आत्मा भगवान आदिनाथ परमात्मा को और कण कण में विराजमान वो आपकी पवित्र शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, कौन मुझे बताएगा कि लेसिया किसको बोलते हैं? लेसिया किसको बोलते हैं? वासंती बेन, एक हमारे बहुत एकदम प्रबल ज्ञानी निर्मला जी, बहुत बढ़िया। लेसिया किसको कहते हैं? आत्मानो अध्यवसाय। आत्मानो अध्यवसाय, खूब खूब सरस। एने सरल भाषा में बाल जीव ए समझ हुए तो शू कही सकाय? आत्मानो परिणाम, बहुत बढ़िया। लेसिया का सरल व्याख्या दूसरा कौन करेंगे हमारे साथ में? लेसिया की परिभाषा क्या होती है? नहीं ना बेन, मुंबई ना हमारा पाठशाला टीचर। मन ना अपना विचार, अपना अपनु वर्तन। कितनी लेसियाओ? कितनी छे? 6 लेसिया होय। कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म ने शुक्ल। कृष्ण नील कापोत खराब, तेजो पद्म शुक्ल सारी। हां, 6 लेसिया, जबरदस्त। 6 लेसिया ना नाम, 6 लेसिया नु विवेचन पण बहु सरस रीते सरल भाषा में नैना बेने करी दीधु छे। और कौन बताएंगे? निधि जैन, लेसिया का मतलब क्या होता है? लेसिया शब्द सुना है या पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुना गुरुजी।
पहली बार सुन रहे हो? कहाँ विराजते आप? चेन्नई में। चेन्नई में तो धर्म नगरी है चेन्नई तो। निर्मला जी मेहता, लेसिया नो मतलब शू थाई छे? आभा मंडल, अपने शरीर के चारों तरफ की आभा मंडल को लेसिया कहते हैं। एक ई परिभाषा छे पण अमका जे शास्त्रोक्त परिभाषा शू छे? केटला लेसिया ना केटला नामो छे? छे नाम है। कौन कौन से? कपोत लेसिया, तेजो लेसिया, शुक्ल लेसिया, कृष्ण लेसिया, नील लेसिया। तीन लेसिया शुभ होती है, तीन लेसिया अशुभ होती है। आपको अभी कौन सी लेसिया में हो अभी वर्तमान में? वर्तमान शायद कृष्ण लेसिया हो चल सकती है, नहीं शुभ लेसिया हो सकती है। शुभ लेसिया नाम की तो, शुभ लेसिया नाम की तो कोई लेसिया है ही नहीं। पद्म लेसिया, शुक्ल लेसिया। सबसे पहले लेसिया मतलब जो आप भीतर में हो, दिव्य ज्ञान। छह लेसिया का आप नाम लिखो, फिर आपको एनालिसिस करना है कि मैं इतना पर मेरे में मैग्नेट क्यों नहीं आ रहा है। जब मैं दोगला हो जाता हूं, अंदर से कुछ और हूं बाहर से कुछ और हूं, तब आपकी लेसिया जो है, तब आपका जो आभा मंडल है, तब आपकी जो भाषा है, तब आपका जो वशीकरण है, तब आपकी जो प्रभावकता है, वो डामाडोल हो जाती है। पहले नंबर के अंदर आती है शुक्ल लेसिया। खास करके दूसरे नंबर के अंदर आती है पद्म लेसिया। और एकदम सरल भाषा में आपको बता दूं, लेसिया का, लेसिया जो शब्द है वो एक शास्त्रोक्त शब्द है। इनको एकदम सरल भाषा में आपको समझना है तो कि चित्त धारा के छह लेवल, आप कितना अच्छा सोच सकते हो और कितना बुरा सोच सकते हो। चिंतन के छह स्तर, पहला माल, दूसरा माल, जैसे स्कूल बोलो तो स्कूल, जैसे अपनी भावनाएं गिनो तो भावनाएं, एकदम सरल भाषा में तो कि शुक्ल लेसिया, पद्म लेसिया, तेजो लेसिया, तेज, फिर इसके बाद आती है कापोत लेसिया, नील लेसिया और कृष्ण लेसिया। तीन जो है, तीन चित्त की धारा है। हमारा जीवन में दुख मन से आता है, शरीर से रात्रि भोजन का पाप बहुत कम है। बड़े अक्षरों में आप लिख लो कि शरीर से आप रात को खाते हो तो उसमें पाप कम लगता है, लेकिन कोई भी कारण से आप कोई होटल में खाना खाने गए या खाने की चीजों को आंखें से देखा और उसकी बारंबार अनुमोदना करते हैं, बहुत अच्छा खाना है, कोई भी होटल की बात आए तो वो इस होटल में जरूर खाना खाने जाना, हम यहाँ से यात्रा करने के लिए गए थे, रास्ते में ये होटल बहुत बढ़िया है, उस होटल में जितना कंदमूल बनता है, जितना अभक्ष का सेवन होता है, वो सारा पाप सिर्फ आपके एक नाने सेंटेंस से आपके सिर पे लग जाता है। हम लोग विनय के ऊपर जबरदस्त भार देते हैं कि बड़ों को देखा धोक दीजिए, महाराज साहब जी को देखा धोक दीजिए, इसको देखा विनय पुस्तक को नमन कीजिए, लेकिन एक अपेक्षा से देखे तो विनय से भी बढ़कर यदि कोई चीज है तो उसका नाम है विवेक। विनय आपको झुकना सिखाता है, विवेक आपको कहां झुकना है वो सिखाता है। विनय जो है एक आपकी व्यवस्था को दिखाता है, लेकिन विवेक जो है कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। सम्यक दृष्टि जीव, आपको अभी भी यदि दूसरों की भूल दिख रही है, दिखना मृत्यु तक सब नॉर्मल बात है, किसी की भूल दिख जाना वो बहुत नॉर्मल बात है, सबको दिखेगी, लेकिन दिख करके उसको पचाना, दिख करके वो मौन रहना, दिख करके उत्तम शब्दों में उसको सुधारने की कोशिश करना, वह है विवेक धर्म की आराधना। और विवेक धर्म से ही
हमारी ओरा का व्याप्त बढ़ता है। शुक्ल लेशिया जो है वो पवित्रता का पुंज है। आप अपने हीलिंग के पावर को बढ़ाना है, सात चक्र को शुद्ध करना है, ज्यादा मंत्र गिनने से, ज्यादा सही संकल्प करने से, ज्यादा सही दिशा में बैठने से। कितने सारे लोग बोल रहे हैं कि हम पूर्व दिशा में बैठते हैं, सोने की माला लेकर के बैठते हैं, हमारे घर में सोने का श्रीयंत्र है, फिर भी लक्ष्मी नहीं आ रही है। तो क्या आपके चित्त में जो उत्पात मचा हुआ है, सबसे बड़ी जैन धर्म की क्षमा पर्व की जो बात आती है, चतुर्दशी को मिच्छामि दुक्कड़म का मतलब क्या होता है, कोई मुझे सरल भाषा में बताएंगे? चतुर्दशी के दिन मिच्छामि दुक्कड़म देने का मतलब क्या होता है? संवत्सरी में दे करके तो हम पूरी तरह से पाप मुक्त हो जाते हैं, बोलो नहीं ना बेन? चतुर्दशी के दिन मिच्छामि दुक्कड़म, अनम्यूट नहीं दे सकता, कई बांधो नहीं, चतुर्दशी। हेलो, बोलो बेन। चतुर्दशी એટલે કે દર 14 દર 15 દિવસે જો આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ આપી દઈએ તો આપણા પાપનું બેલેન્સ ઓછું થઈ જાય અને વર્ષ સુધી ભાર આપણે ખેંચવો ન પડે અને ધીમે ધીમે આપણે આત્માના ગુણ વધારે વિકસાવી શકીએ। અદ્ભુત 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 અદ્ભુત। લેકિન ઉસકે સાથ સાથ મે ક્યા કરના હે? પ્રતિક્રમણ હોય અને એક ઉપવાસ અથવા તો એટલે જેમ આપણે ગવર્નમેન્ટમાં જીએસટી ભરીએ છીએ, ટેક્સ ભરીએ છીએ, એમ શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે દર 15 દિવસે એક ઉપવાસ અથવા બે આંબીલ, ત્રણ નિવી, ચાર એકાસન, આઠ બ્યાસન, અથવા તો સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાય સૌથી સરળ, તપ ન થાય તો તમે સ્વાધ્યાય પણ કરો તો પણ આપણને 15 દિવસનું જે પાપ છે એ ઓછું થઈ જાય। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। શાસ્ત્રોક્ત ભાષામાં આપણને ખૂબ સુંદર મજાનું અને એના બેને સમજાવી દીધું, બરાબર છે। હવે હિલિંગની ભાષામાં, 14 હિલિંગ કે ભાષામાં મેં આપકો બતાતા હું, चतुर्दशी को जैसे ही आप मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हो, चतुर्दशी के दिन जैसे ही मिच्छामि दुक्कड़म किसी का लेते हो या देते हो, उनके साथ साथ उनके साथ जुड़ी हुई कोई भी अपराध की बात भी है। सच्चा मिच्छामि दुक्कड़म कैसे होगा? मेरा और आपका झगड़ा हो गया है, आप मुझे 14 के दिन यदि फोन करके बोलो गुरु जी मिच्छामि दुक्कड़म, एग्जाम्पल रूप से मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पर काया से मिच्छामि दुक्कड़म हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से उस घटना को मगध से जब तक आप डिलीट नहीं करते हो, तब तक आपकी ओरा पवित्र होती नहीं है। ये मैंने दुश्मनावट का बोला, बराबर। मेरी कॉमन बात ये है कि हम सभी लोग सास बहू है, बेटा है, बहू है, तो चाचा है, देरानी जेठानी है, उन सबसे फॉर्मालिटी की खातिर संवत्सरी के दिन, 14 के दिन कभी आमने सामने मिले तो मिच्छामि दुक्कड़म बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके साथ जो जो भी बुरी घटना हुई है वो स्टोरेज रखते हैं, जिसके कारण हमारी ओरा, हमारा प्रभाव, हमारी वचन सिद्धि कमजोर हो जाती है। तो 14 के दिन क्या करना है कि अगले 14 दिन में जितनी भी अच्छी और जितनी भी बुरी बातें हुई है, उन सारी बातों को मगज से डिलीट करना है। पुण्य भी नहीं बांधना है। आज मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, यदि ज्यादा पुण्य बांधोगे तो उसको भुगतने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब कहते थे कि हमेशा हमें साधना कर्म क्षय के निमित्त से करनी है, पुण्य उपार्जन की साधना नहीं करनी है। तो कि पहले नंबर की जो लेशिया है उसका नाम है कृष्ण लेशिया, यानी क्रूरता। कृष्ण लेशिया यानी क्या? हम इतने निष्ठुर क्यों बन गए? क्यों हमें किसी की दर्द की चिंकारी, इतनी वेदना, कैंसर उनको ही होता है। एक बात समझ लेना कि जिन्होंने भयंकर कोटि की हिंसा अगले जन्म में की है, आप जब दूसरे को भयंकर कोटि की वेदना देते हो, वो मल्टीप्लाई होकर के मेरे भीतर में वो प्रवेश होती है।
जो जो भी लोग बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं, जो जो भी लोग शोवर से नहाते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, पौने घंटा, जबाजब स्नान करना है, स्नान करना अनिवार्य है। महीने में एक बार आप बाथ के अंदर स्नान कीजिए, अच्छी मालिश कीजिए। सिद्धार्थ राजा के चरित्र के अंदर कल्पसूत्र में भी लिखा गया है कि अच्छे अच्छे मौसमों के अंदर समय देश काल अनुरूप, अभी ठंड का मौसम है तो जिनको भी, जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ पाता है, जिनको भी कमर की पीड़ा है, जिनको भी माइग्रेन रहता है, उन सभी लोगों को अच्छे अच्छे तेलों से मालिश कराना चाहिए। ये जो तिल का कचोरिया, ठंड की मौसम आती है, सिंह की चिक्की, ये सारे जो पौष्टिक भोजन है, हमारे शरीर के मोटे रंगों को पूरी तरह से ऑयलिंग करने का, पौष्टिक करने का, ताकतवर बनाने का कार्य करते हैं। एक आयुर्वेदिक जो पद्धति है, सभी महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा कि खास करके जीवन के अंदर जब कभी भी आपको मौका मिले, रिचर्स ऑफ डाइनिंग टेबल, उत्तम व्यक्ति के घर का किचन कैसा होना चाहिए, आप कल्पना करो कि इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ ऐसे आचार्य भगवान के पूरी युवा धन, दुनिया पूरी टीवी के पीछे पागल थी, और उस वक्त उन आचार्य भगवान शाहपुर मानस मंदिर बंबई के अंदर जो विराजमान है, ऐसे हेमरत्न सूरी महाराज ने हजारों युवाओं के साथ में टीवी की स्मशान यात्रा निकाली थी। तो यहां पर बातों को समझने के लिए, एक बार आपका किचन, अभी मैं बहुत बड़े आयुर्वेदिक के डॉक्टर को मिलकर आया हूं और उन्होंने बताया कि आपका किचन ही आपका औषध है, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। तो पहले नंबर के अंदर जिसको बहुत शरीर को सजाने की आदत है, जिसको बहुत अलग 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 प्रकार के साबुन घिसने की आदत है, जिसको बहुत सारा मेकअप करने की आदत है, ज्यादातर आज का युग बहुत सारे लोगों को प्रतिक्रमण करना पसंद नहीं आता है, उसका रीजन वो क्या बोलते हैं, आवाज सुनाई नहीं देता है, एसी में बैठ करके प्रतिक्रमण करते हैं, बहुत सारे लोग गर्म पानी पीते हैं लेकिन वो पानी वापस फ्रिज में रख करके पीते हैं। तो कि जिसके जीवन में देह का ही सुख, मेरे शरीर को मैं ऐसा रखूं, मेरे शरीर को मैं ऐसा रखूं, मेरे शरीर को ही, मेरे इस शरीर को बचाने की भावना, शरीर को संवारने की भावना, शरीर के इर्द गिर्द ही सोचना, उसको बोलते हैं कृष्णलेशिया। जिनके जीवन के अंदर मोक्ष जो है, मेरे से आयंबिल नहीं होगा, मेरे से उपवास नहीं होगा, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर के दो दो दिन, चार चार दिन ऐसे भूखा रहता है, डायबिटीज हो जाता है, पूरे दुनिया भर की मिठाइयां छोड़ देता है, बीपी बढ़ जाता है, नमक खाना छोड़ देता है, उसको बोले भाई साहब 15 दिन में एक आयंबिल कर लो, अरे आयंबिल को तो मारो गोली। कम से कम भोजन के शुभारंभ के अंदर या आदिनाथ भगवान की परम करुणा, महावीर स्वामी भगवान की परम करुणा देखो कि भाग्यशाली आपको जितनी भी बार भोजन करना है आप भोजन कीजिए, लेकिन भोजन के शुभारंभ के अंदर एक रोटी जो है वो आप लुक्की खाइए। पहले नंबर में आयंबेल करो, आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं करता है, पुण्य के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, वेदना की परिभाषा को आपको समझना है, आपके जो शरीर इतना पावरफुल है, इतना तेजोमय है, इतना ऊर्जावान है, जिसको गले का कैंसर हो ना उसको पूछना कि यहाँ पर आप एक चम्मच पानी डालते हो और यहां से नीचे उतरने में उसको कितनी वेदना होती है। भगवान की अनहद करुणा, दमुच्चूणम सूत्र के अंदर से जो पूरी तरह शक्र सब के अंदर सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा बता रहे, कहां तक कितनी सूक्ष्म करुणा, मेरा हृदय धक 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 हो रहा है, उसमें भी भगवान की अनहद कृपा है। और वहां से आगे तक बता दिया कि जब भगवान की अनहद कृपा खत्म हो जाती है, आपका पुण्य का उदय खत्म हो जाता है,
ऐसे हजारों लोग हैं कि आज भी बेड के ऊपर सोए हैं, एक पड़खा भी वो घूम नहीं पा रहे हैं। छह लेशिया के ऊपर देह को सजाने में, देह को बचाने में चक्रवर्ती का जीवन का पूरा दृष्टांत आता है कि चक्रवर्ती साधु बने, शुभम चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती। तो कि अल्प शरीर को सवारने में, बालों को धोने के लिए अभी कुछ लोगों के घर के अंदर मुझे जाना हुआ और बेहद दुख के साथ शैम्पू करना जरूरी है। आपको लग रहा है कि कभी कभी बालों में शैम्पू हो जाए, एक व्यक्ति के घर के अंदर में जब नहाने गया तो वहां पर देखा वो जो शैम्पू की बोतल थी वो ऑनियन शैम्पू। कितनी भयंकर इंसान। आपको लग रहा है कि 15 दिन में, महीने में एक बार मुझे शैम्पू से अच्छे बाल धोना है तो उसके लिए भी अरीठा है, अलग अलग प्रकार की अनेक चीजें वस्तु है, उसमें भी अल्प अहिंसा वाला है। संसारिक जीवन मुझे भी जीना है, 100 साल 80 साल जितना भी, आपको भी जीना है, लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि जिस चीज में अल्प हिंसा हो और मेरा कार्य जो है वो पूरा हो जाए। क्योंकि तो जिसको 24 घंटे अपने शरीर को सजाने में सवारने में ही लगता है और उसके इर्द गिर्द ही चिंतन जिसका चलता है, वो व्यक्ति कृष्ण लेशिया से भरपूर है। आपको आज एनालिसिस करना है कि हमारी लेशिया क्या है, हमारी चिंतन की धारा क्या है, बैठने में, उठने में, गद्दे में। कितने सारे लोग दिन में 5-5, 6-6 नेपकिन को बिगाड़ देते हैं। कितने सारे लोगों को ये बेडशीट चाहिए, ऐसा तकिया चाहिए, और इतने निर्ध्वंस परिणाम हमारे हो चुके हैं। रत्न सुंदर महाराज साहब जी बोल रहे थे प्रवचन के अंदर कि खास करके सुबह से लेकर शाम तक आप एनालिसिस करो कि हमारे घर में कितना मशीन चल रहा है, कितने लाखों करोड़ों जीवों का आपका घर नहीं कतल खाना है। बाहर का कतल खाना के अंदर गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, पहाड़, अलग अलग प्रकार के पशु योनि, मछली कटती हुई देख करके चिचियारी बोलने वाले हम सब लोग, कितने जीवों को सटाक सटाक सटाक। तो हम जीवन तो जीना है। कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुनकर के कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाए, उत्साह आ जाए, नहीं अभी मैं भगवान की आज्ञा में जीवन जीने की थोड़ा सा प्रयत्न करो। मिक्सर जमादम चलता है, वॉशिंग मशीन जमादम चलता है, फ्रीज 24 घंटे चलता रहता है, ठंड के मौसम में सटाक 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 एसिया चलता रहता है, घर में जैसे ही जाओ जितनी भी स्विच है सटाक करके नीचे गिरा देते हो कि भाई एक लाइट से यदि काम चल रहा है तो सारी लाइटें सारे पंखे की जरूरत क्या है। और वो कृष्ण लेशिया के अंदर जब आप जीते हो तब आपको समझ लेना है दुर्गति शरीर की वेदना, जो चीज आंख आपको सदवांचन के लिए मिली है और वो नहीं करोगे तो समझ लेना कि अगले जन्म में आंख मिलने वाली नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर आती है नील लेशिया। क्रम कहीं पर आगे पीछे होगा, मैं हीलिंग के हिसाब से आपको सब लिखा रहा हूं। नील लेशिया जिसका रंग नीला है और जिसका संबंध विषय लोलुपता के साथ में है, खाना खाने बैठते तो ऐसा आनंद ले लेके, इतनी तारीफें कर करके हर विषय के जो सुख है वो अतिशय लोलुपता से भोगने का जिसका भाव रहता है, वो व्यक्ति की चिंतन की धारा नील लेशिया संबंधी है। विषय ही गमे, सुख ही गमे, घूमना ही गमे, हरी जो लोन है, हरियाली है, उसके ऊपर चगटना ही गमे। तीसरे नंबर की लेशिया जो आती है कापोत लेशिया, क्या मैं विषय वासना में लुप्त हूं तो मुझे जल्दी से जल्दी इस लेशिया में बाहर निकलना है।
और इसके लिए पंचेंद्रिय जीवों का जो दृष्टांत आता है, जो जो भी लोग आसक्ति के अंदर मनुष्य से पंचेंद्रिय जीव में से जो जो भी लिप्त हुए, पतंगिया होता है ना बटरफ्लाई, उसको पसंद होता है प्रकाश। आपको पांच इंद्रिय मिली है, पांच इंद्रिय का नाम कौन बताएंगे? दिव्या जी आपको आता है? हाँ। पांच इंद्रिय ना नाम आवड़े छे? हाँ। सू सू छे बताओ मने। स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, सांभळवानी। તમારા ચહેરા ઉપર બતાવો કઈ કઈ ઇન્દ્રિય છે? સૌથી પહેલા આ છે સ્પર્શેન્દ્રિય, યાની ચામડી। કલ મેં સબકો બરાબર લાઈન સે પૂછુંગા, સભી કો બતાના હે પાંચ ઇન્દ્રિય કે નામ। સંત્રિય, ચક્ષુ, જી બતાઈએ, સંભળાયું નહીં શું કીધું? પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિય ના નામ તમારા ચહેરા ઉપર બતાવો। સ્વાદેન્દ્રિય, ઓકે, સુંઘવાની, જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય તું તો, ઓકે, ચક્ષુન્દ્રિય જોવાની, બરાબર। ચલો લાઈન થી એકદમ બધાને બતાવી દઉં છું, બધા લખી નાખવાની છે। સાંભળવાની ઘાણેન્દ્રિય, બરાબર, અને સ્પર્શવાળી, સ્પર્શેન્દ્રિય, સ્પર્શે થઈ ગઈ, થઈ ગઈ પાંચ। બોલો સાક્ષીબેન, પાંચ ઇન્દ્રિયના નામ બોલો। આવડે છે સાક્ષી જૈન? નથી આવડતા। જો સબસે પહેલે આતી હૈ સ્પર્શેન્દ્રિય ચમડી, ગુજરાતી હિન્દી ભાષા મેં કોમન। યદિ ચમડી સે અચ્છા કાર્ય આપ નહીં કરોગે, હજારો લોગો કો સ્કિન કા પ્રોબ્લેમ હોતા હૈ। हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी यदि जिंदा हो तो लाख का है, मर जाए तो सवा लाख का है। हाथी इतना ताकतवर होता है, उस हाथी के दांत को ले कैसे? तो शिकारी लोग ऐसा प्लान करते हैं। चमड़ी के सुख को भुगतने के लिए थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है हाथी और पूरा जीवन का सत्यानाश निकाल देता है। जितने भी शिकारी लोग रहते हैं, एक हाथणी का जबरदस्त खतरनाक चित्र बनाते हैं और चित्र बना करके उस जंगल के अंदर रख देते हैं, और दूर से जहां पर ये हाथणी का चित्र है उसके बीच में बहुत बड़ा खड्डा कर देते हैं। जैसे हाथी जो है हाथणी का चित्र देखता है, मन में डोल डगमगा जाता है, जल्दी जल्दी में हाथणी को पकड़ू, जल्दी जल्दी में हाथणी को पकड़ू, और उसको पकड़ने के लिए जैसे 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 भागता है, क्या होता है? हाथणी को स्पर्श करने का, चमड़ी के सुख को प्राप्त करने की खाली मात्र भावना हाथी को खलास कर देती है। आंख की राख का दुरुपयोग, पतंगिया, बटरफ्लाई, दीपक की ज्योति, कभी कभी आपने कैंडल दीपक जलाया होगा तो उसके आसपास में वो पतंगिया आ जाता है, गोल 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 घूमता रहता है, और जैसे ही घूमता है उसको मन करता है कितना अच्छा प्रकाश है, इस प्रकाश को मैं चिपक जाऊं, ले लूं, इस प्रकाश को मैं खा लूं, इस प्रकाश का मैं अनुभव करूं। आंखों से गलत किया गया काम या आंखों से उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जैसे ही वो बटरफ्लाई, पतंगिया आंख को, आग को टच करते हैं, दीपक के अंदर प्रवेश करते हैं, उसका जीवन शून्य हो जाता है। कान का सदुपयोग नहीं किया। आज भगवान ने आपके ऊपर इतनी अनहद कृपा की है, 23 घंटे काम दिया है, आनंद कर रहे हो, मौज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, परिवार के साथ बैठे हो, और पूरे दिन में 24 घंटे भी आप जैन अनुष्ठान को, जिनवाणी श्रवण को नहीं करते हो। हिरण के पेट में कस्तूरी होती है जो लाखों करोड़ों रुपये की होती है। कान का संगीत, बहुत सारे लोग हेडफोन लगा के डीजे के ढिंचक 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 डांस करते रहते हैं,
जो सुनने जैसा है वो सुना नहीं। शिकारी लोग ऐसा म्यूजिक बजाते हैं, ऐसा फ्लूट बजाते हैं, और वो संगीत के अंदर मदहोश वातावरण में हिरणी जिसके पेट के अंदर कस्तूरी है वो डोलती 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 आ जाती है, और जैसे ही आकर के वो संगीत के पास बैठ करके मदहोश हो जाती। जैसे ही वो मदहोश हुई वो शिकारियों ने सारे हिरणियों को पकड़ लिया और उनके पूरी तरह से कस्तूरी निकाल ली, और वहां पर भी उसका जीवन खत्म हो गया। यदि एक इंद्रिय का दुरुपयोग जीवन को समाप्त करता है तो हमें आंख बंद करके कल्पना करनी है, चिंतन करनी है कि मैं तो पंचेंद्रिय का महासाधक हूँ, मनुष्य हूँ, मैंने कितनी बार मेरी इंद्रियों का गलत उपयोग किया है। आपको लग रहा है कि आपने कभी ना कभी जीवन में एकाध दो बार गलत उपयोग किया होगा, आया ना? ऐसा इसमें कोई भी महापुरुष है कि जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया है? तो कोई भी नहीं, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। तो अब हमें क्या करना है? तो हमें चिंतन करके ज्यादा से ज्यादा हम सदुपयोग कैसे करें। दुरुपयोग तो हो गया, जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे का भविष्य सदुपयोग कैसे करना है, नील लेसिया में से हमें कैसे बाहर निकलना है। तीसरे नंबर की लेसिया है कापोत लेसिया। कापोत लेसिया का मतलब क्या होता है अंजना बेन? कापोत लेसिया का मतलब? सर नहीं पता, नहीं पता। ये हीलिंग काम क्यों नहीं करता है या हमारे संकल्प? बोलो विलास बेन, कापोत लेसिया એટલે શું? कापोत लेसिया એટલે કે એવી લેસિયા કે જેને આ જે ઝાડ છે એ ઝાડના જાંબુના જે લેવા છે મને પણ એને બધું તોડી નાખું અને પછી એ જાંબુ લઈ લેવા, એવી કાપોત લેસિયા કહેવાય। બરાબર છે, એનું આખું ચિત્ર છે, કાલે કદાચ મારી પાસે આવી જશે, તમારા કોઈની પાસે હોય તો મને એનો ફોટો મોકલજો। બરાબર છે, આપણે શાંતિથી બેસી અને સમજશું અને એનો અભ્યાસ કરીશું। સરળ ભાષાની અંદર કાપોત લેસિયાનો મતલબ છે, પ્રધાન લક્ષણ મુખ્ય લક્ષણ છે શોકાકુલતા। જો ઇન્હોને બતાયા કે જાંબુ લે લેના હૈ, લેકિન જાંબુ કે સાથ સાથ મેં પૂરા ઝાડ। જો વ્યક્તિ સદૈવ 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 ચિંતા મેં રહેતા હૈ, સરળ ભાષા મેં આપ સભી લોગ સમજીએ, જો વ્યક્તિ કે જીવન કે અંદર સદૈવ શોકાકુલતા રહેતી હૈ, सदैव चिंता जिसको रहती है, वो व्यक्ति की ओरा, वो व्यक्ति की आभा, वो व्यक्ति का पूरा शरीर का जो पूरा लेवल है वो कापोत लेसियामय जीवन उसका माना गया है। कल मैंने आपको बताया कि चिंता ही चिता है, जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, और चिंता के सामने सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्तामर का चिंतन है। तीसरे नंबर के अंदर जिनको पूरे दिन में मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बहू का क्या होगा, मेरे पतिदेव का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, चिंता 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 चिंता, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा, घर में टूट जाएगा, ये फूट जाएगा। जिनको दिन में बारम्बार चिंता सताती है वो व्यक्ति नील लेसिया युक्त साधक है, और जो व्यक्ति को सदैव मेरे प्रभु मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। चौथे नंबर की जो लेसिया है तेजो लेसिया। तेजोलेसिया का मतलब क्या होता है?
आज बहुत मैंने गहन विषय लिया है। गहन विषय इसलिए लिया है क्योंकि ये सारी चीजें ही आपके जीवन में, जो मैंने कल नंदी घोष महाराज साहब जी का जो वीडियो देखने का बोला, देखा सब लोगों ने कि नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? आप इतने दुर्लभ व्यक्ति हो, इतने पवित्र व्यक्ति हो, इतने ऊर्जावान व्यक्ति हो कि आपको ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, और ये मिलने के बाद यदि आप आनंद को एंजॉय नहीं कर पाए, बोलो तेजोलेशिया है नहीं क्या? नहीं खबर। तमे तो बहुत भणो छो ने बधुं धार्मिक। આ વિષય છૂટી ગયો છે। અચ્છા તમે કઈ લેશિયામાં રહો છો? આમ 24 કલાક તમને ચિંતા 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 સતાવે છે, વિષય લોલુપતા સતાવે છે, શરીર ફ્રી માઇન્ડેડ છો। હે મધ્ય થવાનું છે એ ભગવાન કરશે, સારું જ કરશે। આપણે સારું કામ કરશું તો સારું થવાનું છે, બસ આપણે ખોટું કરશું તો ખોટું થવાનું છે। પરફેક્ટ જવાબ છે। जो कि साचा खास करके तेजो लेसिया का सरल मतलब है विवेकशीलता। जो भी कार्य करे उसके अंदर मर्यादा में रह करके करे। जिन्होंने भी मर्यादा को लांघा है, नदी भी वहां तक अच्छी है जो मर्यादा में रहे। जिस दिन नदी ने अपनी मर्यादा को लांघ दी, वो सारे गांव के अंदर पूर आना संभव हो जाता है। घोड़ा कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो सफेद घोड़ा है, पानीदार घोड़ा है, स्पीड में दौड़ने वाला घोड़ा है, क्या आप बैठना पसंद करेंगे? यदि उसके ऊपर लगाम नहीं है तो वो घोड़ा हमारे लिए मारक हो सकता है। सभी लोग अपने नाखून दिखाओ, सभी लोग ऐसे मुझे हाथ करो ऐसे, सभी लोग किन किन लोगों के नाखून बड़े हैं, सच्ची सच्ची बताओ। प्रदीप भाई नाखून बड़े हैं कि छोटे हैं? किन किन लोगों के नाखून बड़े हैं? रिंकू वोरा बड़े हैं? मौलिक भाई बड़े हैं आपके? नहीं चल सकता है। साक्षी जी बड़े हैं? उत्तम साधक के जो नाक भी है, नाखून भी है, नख के जो अग्र भाग है, नख जिसके भी नख बड़े हैं, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जिनके नाखून बड़े होते हैं वो व्यक्ति कभी भी पूजा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? भविता जी क्यों पूजा नहीं कर सकते नाखून बड़े हो तो? अपना नखून भगवान को लगता है ना पूजा के टाइम पे। एक रीजन ही हो गया। आपका नख बड़े हैं कि छोटे हैं? मीडियम है, अभी कट नहीं किया इसीलिए। कट नहीं किया? वैसे पूजा करने के लिए जाते हो कभी कभी? कभी कभी, अभी कच्छ गई थी यात्रा करने के लिए, कच्छ भद्रेश्वर, तो वहाँ पूजा किया। तू भी बड़े नाखून से कर ली? नहीं इतना नहीं है, लेकिन इतना नाखून नहीं है। अपने नाखून भगवान को नहीं लगे उसके लिए एक रीजन है। दूसरा रीजन कौन बताएंगे? निधि जैन। मैं इतना आइडिया नहीं है। हम लोग स्थानकवासी हैं। स्थानकवासी भले आप पूजा नहीं करो, पर आपको थोड़ा थोड़ा नाखून बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए आपकी? नहीं, वो तो है कि मैंने ओके, वो इतना मालूम है कि वो चंदन अगर भगवान को स्पर्श करते हैं तब चंदन हमारे हाथ में भी नहीं होना चाहिए। अगर नाखून बड़ा होगा तो उसके अंदर जाएगा, या नाखून में जो गंदगी है वो भगवान को स्पर्श हो। एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकदम कभी कोई दर्शन करने जाते हो ना निधि बहन? हाँ मोस्टली जाते हैं हम, पियर मंदिर मार के या ससुराल में स्थानक वासी है, तो अभी छूट गया है पूरा। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आपको इतना पता है, तो कहने का तात्पर्य पूजा का, भक्ति का, विनय का इतना ही है कि जो भी लोगों को पूजा बराबर करनी है, विवेकशीलता। आपका बड़ा नख यदि, जो बहुत सारे लोग इतने बड़े 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 नाखून रखते हैं, आपका बड़ा नख भी आपके लिए मौत का कारक बन सकता है। दरवाजा खोलने में, बंद करने में, कोई इधर उधर कहीं पर आपने डाला और यदि पूरा नाखून निकल जाता है, मुंह में से चीख निकल जाती है। तो कि नख जैसा नख भी जब मर्यादा में हो, और केसर में कटोरी के अंदर भी आपको जो आगे का पोपचा है, अंगुली का आगे का जो अग्र भाग है, वही डाल करके आपको पूजा करनी है। यदि ज्यादा होंगे तो भगवान को नाखून भी लग सकता है,
और वो केसर भी अंदर जा सकता है, और वही हाथ से आप भोजन करते हो तो देव द्रव्य के भक्षण से पाप से बचने के लिए ये एक सुंदर व्यवस्था बनाई गई। तेजोलेशिया, इस तेजोलेशिया को हमें पूरा दिन अभ्यास करना है। अब बहुत आप सब लोगों की अभी 3-4 दिन परीक्षा लेने वाला हूं। आप इतना भक्तामर का पाठ करते हो, आप इतने लोगों का, महाराज साहब जी का, हमारा सबका प्रवचन सुनते हो, सच्ची सच्ची बताना, थाली धोकर के इसमें से कितने लोग पी रहे हैं? 4 लोग दिख रहे हैं मुझे, 1, 2, 3, 4। निर्वाण जी है, वासंती बहन है, नैना बहन है, दीपक जी जयपुर है, साक्षी जी है। क्यों अंजना बहन थाली धोई नदी पीता? पाछण ना त्रण त्रण एल्पा बहन छे, पल्लवी जी छे, અમે હોય છે કે થાળી ધોઈને પીવું છું। અચ્છા, બાકી નો પીવા એમ? અને ક્યારે ક્યારે પી રહી હે, રેગ્યુલર નહીં। બરાબર છે। દો ચીજ જો હે પાચક રસ, આયુર્વેદિક શાસ્ત્ર મે લિખા હે કે ભોજન કે બરાબર કભી ભી ભોજન કરતે કરતે આપકો ખાસ કરકે પાણી નહીં પીના ચાહીએ। आपके शरीर के अंदर भी ऐसा मैग्नेट तैयार हो जाए, ऐसे पाचक रस तैयार हो जाए, जब आप थाली धो करके पीते हो तो थोड़े से चावल, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा थाली में जो अलग अलग प्रकार की चीज, और वो जो पानी है, वो पानी जब आपके भीतर में जाता है तो आपके जठर की अग्नि को प्रज्वलित बनाता है। और साचो भक्तामर हिलर तो आज कहवाय, तमे बीजी बधी आराधना ओछी वत्ती करो तो चाले, परंतु अपना जे बेजिक सिद्धांतो छे, तेजोलेशिया का सरल मतलब है के जीवन के अंदर विवेकता। थाली धोकर के आप नहीं पीते हो कोई बात नहीं, लेकिन सच्ची सच्ची आप बताना, कभी कभी आप झूठा भोजन छोड़ते हो तो? 2-3 लोग मुस्कुरा रहे हैं। हमारा तेजोलेशिया का अर्थ यह है कि यदि आपको थाली धोकर के पीना अच्छा नहीं लगता है, वोमिट जैसा हो रहा है, आपकी मानसिक संतुलनता नहीं हो रही है, तो खास करके थाली में एक भी दाना झूठा ना छोड़े, वो भी आपकी खास करके विवेकशीलता यानी तेजोलेशिया की साधना है। जी लिख रहे हैं, स्वामी वात्सल्य के टाइम तो खास पीने का ट्राई करते हैं, बहुत बढ़िया। फेसबुक से भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और अपनी अपनी भावधारा, और खास करके जितने भी भक्तामर हिलर घर पे यदि धर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर ऐसे सामूहिक जब अनुष्ठान हो उस समय तो खास करना है, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। आज शत्रुंजय महातीर्थ में सैकड़ों लोग, 3-3 करोड़पति लोग 3-3 दिन सेवा करने के लिए आते हैं। सबको हाथ जोड़ जोड़ के, पैर धो धो करके कह रहे हैं कि आप दादा की यात्रा तो बहुत करते हो, कभी 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 नवटुक की यात्रा करने के लिए भी जाओ। तो कि शत्रुंजय महातीर्थ की मैं आपको पूछू, आज कम से कम 200 लोग पढ़ रहे हैं, 200 में से 180 लोग ऐसा बोलेंगे कि हमने अगले साल शत्रुंजय की यात्रा की थी, 2 साल पहले यात्रा की थी, 5 साल पहले यात्रा की थी। लेकिन उनको पूछा जाए कि क्या आप तेजोलेशिया के साधक हो, क्या आपने नवटुक की यात्रा की है, तो क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? ज्यादातर लोगों का जवाब ना में आएगा, अज्ञान ही हमारा मुख्य विनाश का कारक है। हमको दादा का दरबार अच्छा लगता है, दादा की भाव यात्रा करते हैं, उसी के साथ शत्रुंजय महातीर्थ में जो अन्य मंदिर है, अन्य जो टूक है, एक एक टूक का जो महिमा है, एक एक टूक के अंदर जो अति प्रभावशाली जिन प्रतिमा है, उनको भी समय समय पर दर्शन करने जाने का भाव होना और वहां पर यात्रा करना, उसी का नाम है तेजोलेशिया। क्योंकि आप जाओगे तो आपके बच्चों परिवारों में संस्कार पड़ेगा,
पंचम लेसिया, तेजो लेसिया है हमारे सबके अंदर, छह छह लेसिया का नाम लिखा, सबको राइट 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 करो। पहले नंबर की जो लेसिया का मैंने आपको समझाया था, क्या आपके अंदर कृष्ण लेसिया है, हाँ अथवा ना? टिक करो सब लोग। पूरा दिन शरीर को सजाने में, शरीर के बारे में आप सोचते रहते हो। दूसरे नंबर की जो लेसिया है, कृष्ण लेसिया के बाद आता है नील लेसिया, विषय की लोलुपता, नई नई चीजों को खाना, नई नई साज सवरना, इतने कपड़े होने के बाद भी कपड़े लेने का मन करना, नए नए साबुन लेने का मन करना, नए नए इत्र लेने का मन करना, बिना काम का जरूरियात से ज्यादा विषय लोलुपता, नई नई होटलों का सेवन करना। यदि आपको बहुत इस विषय में मन हो रहा है तो पहले आपको ये जड़ पदार्थों के ऊपर से प्रीति को हटा करके जो ईश्वरीय शक्ति है उसके साथ अनुसंधान करना पड़ेगा। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि आप वही हो जो 20 साल पहले क्या देखते थे, 10 साल पहले क्या दिखते थे, 5 साल पहले क्या दिखते थे, और आज इतना साबुन शैंपू रगड़ रगड़ के आज भी आपका चेहरा कैसा लग रहा है? क्या मेरे भीतर के अंदर नील लेसिया है, हा अथवा ना? और नील लेसिया रहेगी तो शरीर का दुखावा, शरीर की वेदना, शरीर की तकलीफ होगी। तीसरे नंबर की जो हमारी लेसिया है कापोत लेसिया, कापोत लेसिया का अंतिम फल है डिप्रेशन, चिंता, तनाव, सबका लूट लेना, सबका झूठ लेना। क्या मेरे भीतर के अंदर कापोत लेसिया, क्या मैं सदैव मेरी देरानी, जेठानी, मेरा भाई, मेरे अड़ोस पड़ोस, जिसके अंदर कापोत लेसिया रहती है उसके वचन का कोई प्रभाव नहीं रहता है, दबा हुआ वचन रहता है, दबी हुई जिंदगी रहती है, घर में 1 करोड़ रुपया होने के बाद भी चेहरे पे ग्लानी नहीं होती है, बढ़िया से बढ़िया घर में खाना होने के बाद वो इंसान खा नहीं सकता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े होने के बाद भी वो पहन नहीं सकता है, क्योंकि खास करके शोका कुलता, चिंता का वावरण। चौथे नंबर की लेसिया है जिसमें हम सभी को धीरे 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 अभ्यास करना है। मेरे भीतर में जब विवेक आ जाएगा, मेरे भीतर में से चुंबकीय शक्ति, मैग्नेट शक्ति जागृत हो जाएगी। विवेक ही सारा धर्म का सार है। किसको कितना देना, किससे कितना लेना, तो कि विवेक यानी तेजो लेसिया। इसके बाद आती है पद्म लेसिया। कौन कौन पद्म लेसिया के साधक हैं भाई? पद्म लेसिया यानी क्या होता है, कोई बता सकता है? पद्म लेसिया काले बद्दाए छय छ लेसिया ना नाम बाक्या करवाना छे, अने छय छ लेसिया का नाम आप पक्का करोगे उसके बाद ही आपका जो ऊर्जा लेवल है, अब आप धीरे 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 नॉर्मल हीलर में से स्पेशल हीलर बनते जा रहे हो, और स्पेशल हीलर में से एक साथ खाली आप ऐसे अब हाथ घुमाओ और सामने 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करे, वाह मजा आ गया, क्योंकि उस मजा आ गया का मतलब है पद्म लेसिया। जो हो वे मुझे शक्ति, इसी सभी जीव करू शासन रसी। सामने वाला गाल बोले, सामने वाला अपमानित करे, सामने वाला आपके ऊपर लंचन लगाए, सामने वाला आपको धोख दे, आपका सम्मान और अपमान दोनों जब आपकी सहज अवस्था बन जाए, बेटा आपका अपमानित कर रहा है, अब आंख बंद करके बराबर स्कैनिंग करो अपने चक्रास को, तो बहुत बार आपने स्कैन किया है, आपकी पत्नी आपकी बात बिल्कुल नहीं मान रही है, आपके सामने अनाप शनाप बोल रही है, आपका बेटा ने लाखों रुपए का कर्जा कर दिया है, अभी तक आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए हमने हजारों बार डक 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 ऐसे हाथ घुमाए थे, शास्त्र चक्र को शुद्ध करने के लिए बहुत बार ऐसे हाथ घुमाए थे,
वो हीलिंग की परिभाषा है ये प्रैक्टिकल आंख बंद करके कि आपके सामने कोई भी एक व्यक्ति आए और सटाक करके एक थप्पड़ मार दे, उसके बाद आपके मन की स्थिति उन व्यक्ति के लिए कैसी है, उस वक्त आपका सहस्रार चक्र और आगना चक्र क्या बोल रहा है, और कोई व्यक्ति आकर आपके चरण चूम ले, आपके चेहरे के उपचरणों में हजारों लाखों रुपए की गिफ्ट रख दे, आपको गले लगा ले, जो आपने सोचा नहीं है उनसे अनहद कक्षा का आपको आनंद दे, सोना चांदी हीरा रूपू रत्न कपड़े, और उस देख करके मन में लड्डू फूट रहे हैं, चेहरे गुलगुल गुलगुल गुल हंसने लग जाते हैं, क्या हो रहा है, सुख को देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और दुख को देखकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो समझ लेना कि आपका आगना चक्र, सहस्रार चक्र और अनाहत चक्र तीनों भयंकर अनबैलेंस है। पांचवें नंबर की जो लेशिया है पद्म लेशिया, जिसका मतलब है सरल अवस्था, कुछ भी हो जाए प्रसन्न रहना बहुत सरल है। एक बात बड़े अक्षरों में लिख लेना, हसमुख बनना बहुत सरल है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में मन मगज को स्थिर रखना। भगवान महावीर का दृष्टांत बार 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 चंद कोशिका जो दिखा रहे सुना रहे, हमने हजारों बार सुना है, हम हजारों बार वहां तक ही अटक गए हैं कि भगवान ने बोला बुझ बुझ चंद कोशिया और उसका कल्याण हो गया, ये घटना अधूरी है। घटना तो वह है कि चंद कौशिक ने भयंकर कोटि का भगवान के प्रति क्रोध किया, पर फिर भी प्रभु समभाव में लयलीन रहे, और वो समभाव की पराकाष्ठा क्या, मान लो कि कोई गाली देना, मैं आपको गाली देना फटाफट शुरू कर दू, 5 मिनट दू, 10 मिनट दू, 15 मिनट दू, आप आपके कान बंद कर दो कि भाई चलो ना बोलते रहे हो, आपके घर में झगड़े हो जाए तो कभी कभी क्या करते हैं अनसुना करते हैं, प्रभु ने अनसुना नहीं किया है। भगवान का उस पिक्चर का क्लाइमेक्स तो वो था कि चंड कोशी के भीतर में जितना भी क्रोध था वो सारा क्रोध को भगवान के ऊपर छोड़ा, फेंका, सब कुछ किया, और उसके बाद प्रभु को उन्होंने अत्यंत विष युक्त डंक को मारा। ये जो मारा शब्द है ना वो यहां पर लिखना है कि आपको कोई गाली दे तो आप समभाव में रहो, वो आप 50% के साधक हो, उसका स्वभाव होगा, उसने बोल दिया छोड़ो ना क्या बात है, लेकिन आपको कोई थप्पड़ मार दे, मृत्यु तुल्य कष्ट दे, ये लाइन आप ध्यान से समझ लेना, सर्प का जो जहर था वो प्रभु को पूरी तरह से जीवन में खत्म कर सकता था। ये भगवान की एक उत्कृष्ट कोटि की ओरा थी, भगवान की उत्तम कोटि की भावना थी कि दूध की जगह पे खून की जगह पे दूध निकल गया। ये जो पूरी हीलिंग की प्रोसेस यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रभु का अस्तित्व का भगवान का जीवन को खत्म करने के लिए चंद कौशिक आया, बहुत सारा उन्होंने फुफाड़े मारे, बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया की, और अंतिम अतिशय कोटि का विष भगवान के जमणे अंगूठे पे डाबे अंगूठे पे मारा, और उसके बाद भगवान का प्रेम देखो, प्रभु की लेशिया देखो। पद्म लेशिया कहता है कि प्रभु की सरलता देखो, और इसीलिए मैं हजारों बार प्रवचन में कहता हूं कि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं जिए और जीने दो, उन्होंने भगवान महावीर को समझा ही नहीं है। भगवान महावीर ने तो कहा है मर कर के भी जीने दो, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पूरे गांव वालों ने रोका कि मत जाओ भगवान, उनकी आंखों में जहर है, उनके फुफाड़े में जहर है। भगवान ने बोला कि वो पूरी दुनिया को भले मार सकता है, लेकिन मैं वहां जाकर के उसको जीवन देना चाहता हूं,
बुज बुज चंड कोशिया। और इसीलिए वहां पर वाक्य बनता है मर के भी जीने दो। शांति रहो भगवान की जब औसत के अंदर लैलीन है। ये जो भी लोग जैन अनुष्ठान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग भक्तांबर हीलिंग का प्रचार नहीं कर रहे हैं, कब तक ये चलेगा कैसे चलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, सब ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ी जीवन के अंदर पुण्य बांधने का लाभ आप गवा रहे हैं। अनायास से शांतिनाथ भगवान का जीव वहां पर एक पारेवड़ा पटाक करके गोदी में आ जाता है। ना उनका कोई पारेवा के साथ संबंध, पक्षी के साथ मनुष्य का क्या संबंध होता है। पीछे से शिकारी आते हैं, शिकारी आकर के कहते हैं कि दे दो मुझे, दे दो, मैं हमारा ये शिकार है, हम इसके मालिक हैं। हम बहुत बार दो भाइयों को झगड़ाते हैं, दो बहनों को झगड़ाते हैं, झगड़ते हुए का मजा लेते हैं, झगड़ते हुए के अंदर मीठे मर्चा भर रहे हैं। हम कोई व्यक्ति तीर्थंकर का आत्मा हो ही नहीं सकते। तीर्थंकर का आत्मा कैसा हो? औषद में साधना करते हो, कोई व्यक्ति कोई पक्षी आ जाए, वो पक्षी से कोई नाता है ना दाता है ना कोई जोड़ा है, और उस पक्षी को बचाने के लिए भगवान के भीतर में कितनी करुणा। वो शिकारी को बोलेंगे मेरे शरण के अंदर ये पक्षी आया है, मैं तुझे नहीं दे सकता हूं। कभी भी जीवदया के अंदर 100, 200, 500, 1000, 2000 लिखाने वाले यहां पर दिमाग में आप लिख लो, जीवदया कितनी उत्कृष्ट प्रकार की चीज है। शिकारी भी बड़े चतुर थे, कोई बात नहीं, आप नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन जितना वजन का पक्षी है क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? हीलिंग क्या होता है? क्यों हीलिंग काम नहीं कर रहा है आज ब्रह्मांड के अंदर? अनायास से आया हुआ पक्षी को बचाने का भाव इस धरती का सर्वश्रेष्ठ हीलिंग है। मंत्र बोल करके, मुद्रा करके, स्वपाठ करके तो हजारों लोग दे दे, और उस वक्त शांतिनाथ भगवान का जीव कहता है खचक, तलवार का चाकू लिया, एक तराजे में पक्षी को रखा, दूसरे तराजे में हाथ काटा, पैर काटा, वजन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आखिरी में क्या किया? ऐसे कोई भगवान को रोज स्नात्र पूजा में दुनिया नहीं पूछती है, और ऐसे भगवान भी नहीं बन सकते हो। हमारे शास्त्र की कहानी में बता रहे हैं कि एक पक्षी को बचाने के लिए पूरा जीवन का सर्वस्व समर्पण मेरे प्रभु शांतिनाथ भगवान ने किया था, और हजारों बार घर की पैसों की भागलों के अंदर, साड़ियों के भागलों के अंदर, चीजों के भागलों के अंदर, थोड़ी सी चीज के अंदर हम कितने 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 संकुचित हो जाते हैं। अब उस शांतिनाथ एक अनहोन पक्षी को बचाने के लिए जो व्यक्ति अपने पूरे शरीर को काट सकता है, तो हमेशा, और एक चीज समझ लेना कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, पूरी प्रकृति उनके लिए जीती है। आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, आप प्रतिपल आपके अड़ोस पड़ोस, आपके चाहने वाले नहीं चाहने वाले जितने भी लोग हैं उनका कल्याण सोचते हो, कल्पना करते हो, बस इसका प्रभु भला हो जाए, अवश्य में आपको भला का उल्टा लाभ होना स्टार्ट हो जाता है। लेशिया का हमारा अभ्यास चल रहा है विचार की आदान प्रदान। और अंतिम जो है, आप सभी के अंदर कौन कौन व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे अंदर पद्म लेशिया 100% है? 100% वाले कोई है इसमें? नहीं है, कोई बात नहीं। 80%, 60%, तो कैसे होगा?
जो मूल 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 मार्ग है, सरलता और सौम्यता। कितने सारे लोग तो कभी कभी मुझे ऐसा मन करता है हंसते तक नहीं है, बोलो। इतने गम में, इतने दुख में रहते हैं कि भगवान ने पूरी दुनिया का दुख जाए उसके ऊपर ही बरसा दिया हो। तो हमें पद्मलेशिया का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। और आखिरी अंदर जो अंतिम लेशिया है, जो सबसे कठिन है, और जो मनुष्य इस लेशिया का साधक बन जाता है, उसके घर में बोलने और सोचने दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। कारण के शुक्ल लेशिया इनका सीधा मतलब है संपूर्ण निर्मल अवस्था। संसार के अंदर जो ये वाक्य है, समणो इव सावो हवई जमहा, संसार में रहकर साधु जैसा जीवन, भोजन करो तो मर्यादा में। अभी अभी मैं एक शादी में गया, जहां पर जो शादी थी उसमें सामने वाले जो पक्ष, लड़के वाले पक्ष के थे, उनके मम्मी से मिलना हुआ। बाई संप्रदाय के व्यक्ति थे, आपको सुनकर ताजुब होगा, उसके घर में 35 लोगों की फैमिली है, और 35 लोगों की फैमिली में एवरी डे लोट, जो हम रोटी सब्जी रोटी भाकरी के थेपला के लिए जो लोट होते हैं, इतने चुस्त है बाई संप्रदाय के अंदर है। तो प्रतिदिन जो भी खाने में लोट उपयोग होता है, आज का दला हुआ लोट भी वो लोग दूसरे दिन उपयोग नहीं करते। क्यों इतने रोग आ रहे, कितने दिन के खाकरे है, कितने दिन के आचार है, कितने दिन का फरसाण है, दबा दब जो दुनिया के अंदर बाहर दुकान में गए, जैन शब्द लिख दिया, वहां से दुकान में से लेकर आ गए, काल हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अशुद्ध भोजन आपके जीवन के अंदर जो पूरी तरह से आकर्षण का सिद्धांत खत्म कर देती है। अशुद्ध भोजन उत्तम कोटि की आराधना को खत्म कर देती है। सामायिक में मन नहीं लगना, प्रतिक्रमण में नींद आना, प्रतिक्रमण बैठे बैठे करना, मुपत्ति के 50 बोल नहीं बोलना, प्रतिक्रमण सामायिक करने वाले कितने हैं, लेकिन उनको पूछा जाए रोज की कितनी सामायिक, 3 सामायिक, 3 सामायिक में उपद्धि कितनी बार आती है, 6 बार, 6 बार में 50 बोल कितनी बार बोलते हो, जय आदिनाथ भगवान, 50 बोल बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए, नहीं ना बहन, बोलवा जो ये अपने बहनों ना कितना हो जाए, 42 कौन रोज सामायिक करे जो एवरी डे, बासंती बेन सामायिक रोज करो जो, हाँ जी हाँ रोज करो, एक आधी वक्त बोल बोलो जो, रोज बोलवाना बोल, दरेक वक्ते, हाँ दरेक वक्त, खूब खूब अनुमोदन। चलो आवा बधा महापुरुषो अपनी साथे छे, એટલે ખરેખર એમને એટલું પ્રણામ કરવાનો મન થાય છે કે આવા પણ આ ધરતી ઉપર કોહિનૂર બિરલા છે અને જેના કારણે જૈન શાસન ચાલી રહ્યું છે। तो अंतिम जो लेशिया है वो शुक्ल लेशिया, और जब आप शुक्ल लेशिया के साधक बन जाते हो, तब आपके जीवन में, आपके भीतर में ऐसी ओरा, तबे खाली बैठा हो ने तो ऑटोमेटिक तुम्हारा होलनु वातावरण सुगंधित बनी जाए। जेटली पण दादी माओ छे, हाथ जोड़ी ने तमने रियल मा विनंती करी, तमने पगे लागी ने विनंती करवा मांगू छू, खास 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 तमारा पोतराओ ने, तमे संस्कारवान गुणवान भाषा नी अंदर मर्यादा वाला जो बनावा मांगता होय, तो दुनिया में एवी कोई स्कूल नथी के जे गुणवान श्रद्धावान भक्तिवान बनावे, मात्र अने मात्र शुक्ल लेशिया तमारा भीतर मा प्रगट करो, तमारा बच्चाओ ने आलिंगन करो, ऑटोमेटिक तमारा बच्चाओ प्रेमाण बनी जशे। छल एशिया का आज हमने पूरी तरह से अभ्यास को जाना, देखा, समझा, अनुभव किया, और उसी से कल मैंने आपको बताया था मैग्नेट थेरापी 4 जगह पे हमको करनी है। पहले हमारे भीतर के अंदर, और भीतर के आकर्षण के लिए ही मैंने आज आपको 6 एशिया के बारे में बताया है। जब तक आपकी विचार शुद्धि नहीं होगी, तब तक आकर्षण का सिद्धांत काम नहीं करेगा। आकर्षण के सिद्धांत को बढ़ाने के लिए रिम मंत्र,
माया बीज रीम 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 जितना ज्यादा हो सके उतना रीम का आनंद लें। दूसरे नंबर के अंदर भोजन के अंदर मैग्नेट थेरापी करें। कैसे करेंगे भोजन के अंदर मैग्नेट थेरापी? कैसे करेंगे भोजन के अंदर? आपके घर में भोजन बनता है या प्रसाद बनता है? कंचन बहन, आपके घर में भोजन खाना ही बनता है? भोजन ही बनता है सर गुरुजी। तो भोजन बनेगा तो कोई काम नहीं चलेगा, अपने को तो प्रसाद बनाना है। हाँ प्रसाद बना तो नौकर का जाप करके बनाना। करते हो कभी कभी? कभी करते हो? रोज करते हो? कैसे करते हो भोजन? नहीं नहीं गुरुजी, अभी स्टार्ट किया मैंने। अभी स्टार्ट किया हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। किन किन लोगों के घर में प्रसाद बनता है सच्ची सच्ची बताना। चलो अंजना जी एक बहुत बढ़िया, निरुपमा जी, अल्पा बहन, क्यों बाकी सब लोगों को दवाइयां ही खाना है? कल से कभी भी अभी तक आपने जैन अनुष्ठान में से भक्तामर डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कोई भी हमारे घर में भोजन बने तो भोजन के वक्त भक्तामर मंत्र से अभिमंत्रित भोजन प्रसाद ही प्रति व्यक्ति को कराना है। तीसरे नंबर के अंदर जो मैंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको बताया है, आपका जो बेडरूम है जहां पर 6-7-8 घंटे आप सोते हो, बैठते हो, वार्तालाप करते हो, उस घर के अंदर 2022 में आपके पति पत्नी के बीच में, बेटा और बहू के बीच में, बेटा माँ और बेटा के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में ऐसे मधुर संबंध हो जाए, ऐसे विनयवान संबंध हो जाए, ऐसे गुणवान संबंध हो जाए, उसके लिए घर को भी आपको अत्यंत मैग्नेट से, चुंबकीय शक्ति से, वास्तु यंत्र जो आप सभी लोगों को दिया हुआ है पूर्व दिशा के अंदर लगाना है। सुरक्षा कवच यंत्र जो दिया है पानी के मटके के नीचे अंदर रखना है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज होकर के पानी आपके भीतर में जाए, शरीर के एक सेल्स के अंदर, एक रोम राजी के अंदर दिव्यता शक्ति का संचार हो। इसी प्रकार से हम सभी लोग आगे बढ़ते बढ़ते चार चीजें आज आप बराबर आप लिख लीजिए, जीवन को प्रसन्नता युक्त आप बनाना चाहते हो। पैसा रास्ता है, प्रतिपल आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। पहले नंबर की बात, पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। जीवन को गुणवान बनाना है तो हर व्यक्ति को धन्यवाद करे, अनुमोदन करे, जो जैन धर्म का सिद्धांत है। और आखिरी बात के नजरे सुधरी, आंख के अंदर जिसको पीलिया हो गया हो ना उसकी पूरी दुनिया ही पीली 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 है। तो आखिरी बात में हित शिक्षा दिखाई दे रही है, गुरुदेव बता रहे हैं कि नजरे सुधरी तो सुधरेगा नजारा। आपने अच्छा देखना शुरू कर दिया मतलब आपका 2022 जो है दुनिया में ऐसा पावरफुल होगा, ऐसा शक्तिशाली होगा, ऐसा खुशबूदार होगा कि जीवन के अंदर ऐसी सफलता को आप प्राप्त करेंगे, ऐसे आनंद को आप प्राप्त करेंगे, ऐसी ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। तो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए भक्तामर स्तोत्र, नमस्कार महामंत्र की आराधना, उवसगरम स्तोत्र की आराधना हमारे भीतर के अंदर ऐसी प्रकटवान बने, ऐसी क्रियावान बने। आप सब लोगों को मैं कल एक PDF देने वाला हूं जिसके अंदर 14 चीजें आप सभी लोगों को सबमिट करना है। मैं अभी आपको फटाफट फटाफट लिखवा देता हूं उन 14 चीजें क्या है। टेम्पल थेरापी जो हम सीखने वाले हैं उसके अंदर भीतर के अंदर आपके घर में क्या क्या चीजें, वो सभी रजिस्टर मेंबर लिख करके हमें दे दे जिसके माध्यम से हम आपको पूरी तरह से आगे की पूरी जो हमारी प्रोसेस है
वो आपको सिखाने वाले हैं और उसी प्रोसेस के माध्यम से आप पूरी तरह से अगले महीने की 15 तारीख से ये पूरा जो पीडीएफ है मैं आप सभी लोगों को भेजने वाला हूं। आपके मंदिर के अंदर कितनी तीर्थंकर भगवंत की फोटो है, प्रतिमा है, उसकी पहले नंबर में तो संख्या काउंट कर लेने की, मेरे पास 10 है कि 5 है, और साथ में कितने कितने भगवान की है। अगली जो हमारी टेम्पल थेरापी जो होने वाली है 15/2/2022 से 1/3/2022, बहुत सारे घरों का मंदिर का हमने वास्तु शुद्धिकरण करा दिया है। अभी तक आपके अपने मंदिर का बहुत सारी बिना काम की चीजें है, नेगेटिव चीजें, टूटी फूटी हुई चीजें है, तो सभी चीजों को रिमूव करने के लिए और जितनी भी चीजें हैं और उसका पूरा पूजा विधि आपको नहीं पता है तो वो सारी पीडीएफ हम आपको भेजने वाले हैं। तो बराबर उसकी आप सही विगत हमें भर करके देंगे तो हम लाइफ टाइम के लिए आपको ये सारी चीजें दे देंगे, जिससे समय समय अंतरे आप उसको पूजा कर सको। कितने देवताओं की, मणिभद्र वीर, नाकोड़ा बेरोजी, मणिभद्र वीर, अलग अलग प्रकार के जितने भी देव हैं उनकी प्रतिमा कितनी है और फोटो कितनी है, यहाँ पर आपको संख्या लिखनी और यहाँ पर पूरी विगत, ये मणिभद्र देव आदि आदि देव की प्रतिमा है। सम्यक देवियों पद्मावती, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, कुल देवी की प्रतिमा कितनी है और फोटो कितनी है, कितने गुरुजनों की फोटो आपके घर में, आपके मंदिर में है, कितने गुरुजनों की प्रतिमा है, तांबे के कितने यंत्र हैं आपके घर में, जो यंत्र के बहुत सारे लेमिनेशन यंत्र होते पेपर प्रिंट, वो कितने हैं, वो सभी की संख्या और क्या क्या उसके नाम लिखने हैं। क्या आपके घर में दक्षिणावर्ती संघ है, एक संघ है, दो है, चार है, कितने संघ हैं, उनकी संख्या, तो आपको महीने में, छह महीने में संघ क्या होता है, संघ की पूजा कैसे आप 3 मिनट में करें, उसकी पूरी पूजा विधि हम आपको भेजने वाले हैं। नवग्रह के स्टोन, आपने हाथ में जितनी भी अंगूठी डायमंड की भी पहनी है, डायमंड की बुट्टी भी पहनी है, क्योंकि आपके घर में नवग्रह के कितने स्टोन की अंगूठी है हाथ में पहनी हुई और तिजोरे में रखी हुई, वो यहाँ पर आपको लिखना है और कौन कौन से ग्रह की है वो यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। आपके घर में कितने कलश है, गौतम स्वामी का कलश है, नवकार मंत्र का कलश है, किसी और ने अलग अलग प्रकार के कलश दिए हुए हैं, क्योंकि जितने भी कलश है वो सारे कलश की टोटल संख्या यहाँ पर लिखनी, और जो बिना काम के कलश है जिसके बारे में नहीं पता है उन सभी को पानी में पधरा देना है। पीली कोड़ी, गोमती चक्र आपके घर में कितने हैं, आखिरी चीजें पिरामिड, पत्थर के, स्टोन के, धातु के, रत्न के, अलग अलग प्रकार के पिरामिड कितने हैं उसकी संख्या, और यहां पर आपको सबके नाम लिख देना है। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, यदि अभी तक आपकी नवग्रह की पूजा नहीं हुई है आपके कुंडली के हिसाब से, तो नवग्रह की पूजा भी पूरी तरह से इनके साथ में होगी कि मेरी पूजा नहीं हुई है, मेरी पूजा बाकी है। आपको लग रहा है कि मेरा अगर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो वास्तु दोष के लिए भी स्पेशल पूजा महा महीने में खास करके रखी है आपके घर के लिए, आपके ऑफिस के लिए, पूरा 15 दिन ये जो कार्यक्रम रहेगा तो मेरी ऑफिस के अंदर वास्तु पूजा बाकी है या मेरे घर की वास्तु पूजा बाकी है, वास्तु दोष नहीं है तो ऊर्जावान बने, घर में सभी लोग स्फूर्ति वाले बने, बहुत सारे लोग दवाइयां खा रहे हैं तो दवाइयों में से मुक्त होकर के स्वस्थता युक्त जीवन जिए, और आखिरी के अंदर जिन्होंने भी भादरवा महीना के बाद में रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी लोगों का पितृदोष, पितृ दर्पण, हमारे दादा दादी, काका काकी, भाई बेटा, कोई भी व्यक्ति गुजर गया है तो शिवरात्रि के दिन 1 तारीख को, अमावस्या को, उन सभी वडिलों के लिए मंगल कामना, आत्मीय जनों के लिए शुभ प्रार्थना, उनको भी जल्दी से जल्दी तीसरे भाव में मोक्ष मिले। तो कितने लोग आपके दादा दादी, पापा पापी, काका काकी, आपके जिनके साथ खून का रिश्ता है,
तो उनका पूरा विगत एक अलग कागज में लिख करके आपको रेडी रखना है, और 15 दिन, इन 15 दिनों के अंदर सभी को स्पेशल हीलिंग। तो 2022 में आप कौन सा संकल्प पूर्ण करना चाहते हैं? अभी लेटेस्ट आपका संकल्प क्या है? तो खास करके ये तीनों अपने ऑफिस का नंबर है, और तीनों में से कहीं पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी से भी आप चर्चा कर सकते हो, और ये शाम जो ये जो जितने भी डिटेल्स है जल्दी से जल्दी भर करके 2022 हम सभी के लिए अत्यंत 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 ऊर्जावान बने उसकी हम तैयारी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ कल से मैं आपको नवे नवग्रह बारे बार राशियों की राशि टिप्स लिखाने वाला हूं कि 2022 में आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ सकती है, बिजनेस कैसे सटाचट आगे बढ़ेगा, और कुछ म्यूजिक थेरापी आपको कल देने वाला हूं। चुंबकीय शक्ति को कैसे धारण करें, यदि आपके घर में मैग्नेट है, यदि आपके घर में मटके के तांबे का पूरा जो कलश है, पानी चार्ज करने का मग्गा है, जग है, तो उसके ऊपर भी रख करके भक्तामर का कौन सा श्लोक लेकर के आप आराधना करके सबसे पहले जो आपकी काया है तांबे जैसी मजबूत काया बने, आकर्षण युक्त काया बने, जो भोजन डाले तो अग्नि से फटाफट 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 पाचन हो जाए, और ये छह छह लेशिया का अभ्यास करते हुए जो भी बेड एनर्जी है उसको रिमूव करते हुए सकारात्मक एनर्जी यानी विवेक के साथ हम हमारे जीवन में आगे बढ़े, हमारे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करें, यही भावधारा के साथ छह लेशिया के भावधारा में कुछ भी बोलने में चलने में आया हो तो मन वचन गाय करी इच्छा में दुकड़म। पोष दशमी आ रही है, पार्श्वनाथ भगवान के कितने भव थे, पार्श्वनाथ परमात्मा के भव कितने थे प्रदीप जी? 10। एक अद्भुत पूरा बिजल जी सा 10 भव, बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है 10 भव में से 2-3 भवों के नाम? बोलो प्रदीप भाई। नहीं दिया। 10 भवों के बारे में कभी सुना है किसी लोगों ने? हाँ सुना है, बस प्रवचन सुना है, बहुत बढ़िया। विलास बेन को पता है? बोलो। हाथी नो भव हतो एक, पहला एमने बे भाईयो हता એ ભાવમાં, પછી હાથીનો ભાવ થયો, પછી દેવલોક માતા પેલો નારકીમાં હતો કમઠ મેઘ માળીને કમઠ, પછી હાથીનો ભાવ। 10 ભાવો કી બહોત બઢિયા, મે આપકો 10 ભાવો કી પીડીએફ આપકો ભેજને વાલા હું। આપ યદિ ચાહતે હો કે આપકી લાઈફ મે છોટી 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 રૂકાવટ આ રહી હે, 40 પેજ કી એક જબરદસ્ત પીડીએફ મેને તૈયાર કર દી હે, આપ સભી લોગો સે હો સકે तो पोष दशमी के अंदर आप जो खास करके अठम करना, अठम नहीं हो सके तो खास करके आप सभी लोग 3 एकाशना होता है वो करना। लगभग में पोष दशमी बंबई के अंदर हमारे सारे भक्तामर हिलरों ने अपने घर पे पार्श्वनाथ भगवान का 108 पूजन रखवाया है, तो बंबई के अंदर मैं सभी लोगों को आराधना कराने वाला हूँ। तो आप सब लोगों को ये 3 दिनों में कम से कम ये 40 पेज एकदम भावधारा से युक्त, सामने पार्श्वनाथ भगवान की फोटो है, प्रतिमा है, दिया है, धूप है, खंजरी है, और ये पूरी पार्श्वनाथ भगवान की मैं कथा की जो आपको पुस्तक भेजूंगा वो पुस्तक के साथ में रोज एक पार्श्वनाथ भगवान का पहले नवकार मंत्र, फिर पार्श्वनाथ भगवान के जो 3-3 भाव रोज पढ़ना, 3 भाव जैसे एकदम पढ़ लो, फिर एकदम भाव विभोर बन करके पार्श्वनाथ भगवान का एक स्तवन, फिर थोड़े से चावल लेकर के उत्कृष्ट भाव से भगवान को वधाते वधाते कि हे भगवान आपने भी जन्म लिया, आपने भी जीवन जिया, आपने भी साधना की, लेकिन ऐसा उत्तम मार्ग आपने पकड़ा कि आप मोक्ष के अंदर सिद्ध शिला में पहुंच गए, तो आपकी दिव्य कृपा मुझ पर परिवर्षाई है, मैं भी आपका ध्यान करते करते मोक्ष पद को प्राप्त करूं। तो बराबर 3 दिन पार्श्वनाथ कथा सभी लोगों को अपने घर पे खास 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 पढ़नी है, जिसकी भाषा अच्छी है, जो अच्छा वीडियो बना सकता है तो पार्श्वनाथ भगवान के खास वीडियो बनाइए, उस कथा के ऊपर वीडियो बनाइए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को खास आधा घंटा एक घंटा के लिए बुलाइए, और जैसे ही भगवान का कल्याण गाए आपकी शक्ति हो 5, 10, 25, 50 लड्डू लेकर के अपने फ्लैट में बांटिए, मेरे प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का कल्याणक है, पार्श्वनाथ भगवान को मोदक समर्पण करें, और इसी भावधारा के साथ में हम भी
पंच परमेष्ठी के अंदर प्राप्ति करें, पंच परमेष्ठी में हमारा वास हो। यही भावधारा के साथ में ज्ञान मुद्रा, कमर से डट्टार, सीधा, आंखें बंद, भगवान का जन्म अजन्मा बनने की साधना। हमने हजारों लाखों बार जन्म लिया, जीवन जिया, मृत्यु को प्राप्त किया है, लेकिन ये भगवान का जो जन्म आ रहा है, हे प्रभु तेरी भक्ति करते 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 मैं अजन्मा बनूं, अब मुझे कभी जन्म ही नहीं लेना पड़े, ऐसा आशीर्वाद अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। कमर से डट्टार, गहरी गहरी सांसों को लेते लेते मंद मंद स्वर से, भावधारा से सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब 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 आप सभी लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, भीतर के आत्मा को जागृत करते करते अनंत आनंद के साथ अपनी संसारिक यात्रा को अनुरूप आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष यात्रा का शुभारंभ करें। 19 तारीख को सूरत में, 20 तारीख मुंबई, 21 तारीख तलेगांव, 22 तारीख मुंबई, 23 तारीख, 24 तारीख विशेष कार्यक्रम, 25 तारीख को बोरीवली, 26 तारीख को घाटकोपर और 30 तारीख को मरोल अंधेरी के अंदर, 1 और 2 तारीख को अति भव्य शिविर कोल्हापुर में होने जा रही है। ये सारी शिविरों के अंदर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आपके सारे सगे संबंधी साधक आकर के अपने आत्मा को और पावन करके भगवान की आज्ञामय जीवन जीकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।